बिग बॉस सीजन 18 के घर में श्वेता सिंह ने की ईशा सिंह की बोलती बंद दोगली। ईशा सिंह का आया डबल फेस सामने, श्वेता सिंह ने लगाई क्लास। सलमान खान के बाद एक बार फिर आई जनता के निशाने के बाद अब श्वेता सिंह ने लिया ईशा सिंह को मुंह तोड़ जवाब। आखिर क्यों श्वेता सिंह भड़की अविनाश के साथ रिश्तों पर, कैसे करणवीर के साथ लड़ाई पर श्वेता ने लिया चुन चुन कर बदला, तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ईशा सिंह का पर्दाफाश हो गया है और न्यूज जर्नलिस्ट श्वेता सिंह आ चुकी हैं बिग बॉस सीजन 18 के घर में। अब श्वेता सिंह आई हैं तो श्वेता कुछ लेकर जाएंगी और यहां पर कुछ देकर जाएंगी। अब लेकर जाने की जहां पर बात की जा रही है तो वो लेकर जाएंगी इनकी जो डबल फेस श्वेता जो ईशा दिखा रही है, अपने आप को सुपीरियर दिखाने का, बहुत अच्छा बनने का, अपने आप को पापा की परी दिखाने का, उसको एक्सपोज किया है और देकर गई है कुछ बड़ी नसीहत, देकर गई है रियलिटी चेक, देकर गई है अविनाश के साथ जो वो गलत कर रही है, करणवीर के साथ बार बार टारगेट कर रही है, उस पर रियलिटी चेक दिया है श्वेता सिंह ने। कैसे श्वेता सिंह ने किया करणवीर मेहरा की तारीफ, उड़ गए ईशा सिंह के होश, कन्फेशन रूम में से निकलकर अविनाश से कर दी ईशा की श्वेता सिंह की चुगली। विवियन डिसेना से बोली अपने दिल की बात। ईशा सिंह आई है कन्फेशन रूम में, श्वेता सिंह ने बुलाया ईशा को और सबसे पहले पूछा ईशा कैसी हैं आप तो टाइम गॉड बनकर आई है ना, मुझे लगता है कि शायद आप बहुत खुश होंगी क्योंकि ये पूरे वीकेंड के वॉर पे आप सबसे ज्यादा बिल्कुल रानी की तरह चमक रही थी। लेकिन ईशा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्यों बार बार आप करणवीर को टारगेट करती हो? क्या आपके पास घर में कोई और मुद्दा नहीं है? क्या घर में आपको करणवीर को छोड़ के कोई और नहीं दिखता है? आप उन लोगों को ही टारगेट करती हो जिसे अविनाश टारगेट करता है, जिसे विवेन डिसेना टारगेट करता है? क्या ये आपका वही गेम है? जो विवेन करेगा, जो अविनाश करेगा, मैं वही करूंगी? इसको लेकर ईशा ने जवाब दिया, नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं करणवीर को तभी टारगेट करती हूँ जब करणवीर उस तरीके की हरकतें करता है। करण मिट्टी का तेल है, विवेन ने इसे ये नाम दिया था, लेकिन इस नाम को मैं भी मानती हूं कि करणवीर वाकई में मिट्टी का तेल है। करणवीर हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश करता है, करणवीर हमारे ग्रुप को तोड़ने की कोशिश करता है, करणवीर बार बार ये करने की कोशिश करता है कि विवेन डिसेना, अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह अलग हो जाए। जब मेरी दोस्ती के बीच में दरार डाली जाएगी तब मैं अपने लिए स्टैंड लूंगी और मैं बखूबी अपने लिए स्टैंड लेना जानती हूं। मैं अपना इंडिविजुअल गेम खेल रही हूं, इंडिपेंडेंट मैं गर्ल हूं, मैं बिग बॉस से निकलने के पहले भी इंडिपेंडेंट थी और आज भी मैं इंडिपेंडेंट हूं। भले ही मेरे दोस्त हैं लेकिन जब मैं प्रायोरिटी की बात आएगी तो मैं अपने आप को ही चूज करूंगी। श्वेता सिंह के सामने ईशा ने बोल दी है अपने दिल की सच्चाई और खोल दिया है बड़े राज। श्वेता ने कहा कि तुम बताओ कि अगर करण और विवेन डिसेना दो कंटेस्टेंट है फाइनलिस्ट, तो आप किसे विनर बनते देखना चाहती हो? ईशा सिंह ने कहा नो डाउट मैम, किसी भी तरह का डाउट नहीं है मुझे, मैं विवेन को देखना चाहूंगी क्योंकि विवेन में वो क्वालिटी है, विवेन में वो पेशेंस है, विवेन वो सुपरस्टार है, विवेन घर का लाडला है, बिग बॉस का लाडला है और करणवीर मिट्टी का तेल है, जल कुकड़ा है, जलनवीर है और करणवीर में कोई भी खासियत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ घर में आग लगा रहा है दिग्विजय सिंह राठी को, उसने रजत दलाल से अलग कर दिया और ऐसा ही वो मेरे और अविनाश के बीच में भी करना चाहता है, लेकिन ये कभी उसका मंसूबा कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। श्वेता सिंह ने दूसरा सवाल दागा और ये कहा कि आपका रिश्ता क्या है शालिन भनोट के साथ? ईशा ने कहा कि मैम वो हमारे को एक्टर थे, बहुत ही अच्छी दोस्ती और आज भी बिग बॉस से जब मैं निकलूंगी मैं शालिन से ज़रूर मिलूंगी। मैं बिग बॉस में आने से पहले मैंने शालिन भनोट से टिप भी लिया था क्योंकि वो बहुत ही अच्छे कंटेस्टेंट रहे हैं और टॉप 5 तक गए थे और एक अच्छे और सीनियर एक्टर हैं, तो वो अच्छे मेरे दोस्त हैं लेकिन दोस्ती से ज़्यादा कोई भी रिलेशन नहीं है। श्वेता ने कहा कि अगर शालिन के साथ दोस्ती से ज़्यादा रिलेशन नहीं है तो क्या आप बता सकती हैं क्या अविनाश के साथ क्या रिश्ता है? आप एक साथ बेड पर सोते हैं, आप एक साथ खाना खाते हैं, आप एक साथ सारा काम करते हैं और तो और आप एक साथ चुगलियां भी करती हैं ना ईशा? जिसके बाद ईशा ने जवाब दिया मैम अविनाश भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अविनाश के साथ मेरी दोस्ती यहाँ पर हुई है लेकिन ये बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि मैं यहाँ से घर से निकलने के बाद भी अविनाश के साथ मैं दोस्ती रखना चाहूँगी। अविनाश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इस घर में ही नहीं इस घर के बाहर
बाहर भी। श्वेता ने कहा कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका और अविनाश का रिश्ता शालिन भनोट और टीना दत्ता की तरह है, आप लोग एक दूसरे को गिवन टैग पर चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस में अपने कदम जमाने के लिए, बिग बॉस में आगे जाने के लिए, क्या आप अविनाश का यूज़ कर रही हैं। ईशा ने कहा कि मुझे मैम किसी को भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है कि मैं दोस्ती दिल से निभाती हूँ, विवेन सर मुझे पहले से जानते हैं, विवेन के साथ मैंने सिर्फ तुम शो भी किया था तब से हम दोनों की पहचान है और विवेन को पता है कि मैं किस तरीके की लड़की हूँ, मैं जिसे दोस्त बोलूँगी मैं दिल से दोस्ती निभाती हूँ और अगर जिससे मैं दुश्मनी करती हूँ तो फिर मैं पक्का दुश्मनी निभाती हूँ, मैं तांडव पर उतर आती हूँ। जिसके बाद श्वेता सिंह ने कहा कि ऐसा बाहर लग रहा है कि अविनाश और ईशा के बीच में दोस्ती से ज़्यादा है, क्या वाकई में ऐसा कुछ तो नहीं है। जिसके बाद ईशा ने कहा कि मैम बिल्कुल नहीं है, मैं बेस्ट फ्रेंड है अविनाश और अविनाश के साथ इसीलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि अविनाश का नेचर बहुत अच्छा है, वो दिल का बहुत साफ है, वो जो भी करता है दिल से करता है, वो करणवीर की तरह जलनवीर नहीं है। अविनाश मिश्रा मेरे लिए सुपरस्टार है इस शो का और मेरे बाद अगर मैं किसी को देखना चाहती हूँ जीतते हुए, अगर ट्रॉफी उठाते हुए, तो मैं विवेन से पहले अविनाश को देखना चाहूँगी, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में अविनाश सबसे पहले नंबर पर आता है। श्वेता सिंह ने यहाँ पर पोल खोले हैं ईशा सिंह से और ईशा सिंह ने विवेन डिसेना को धोखा देकर अविनाश को लिया है अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में। श्वेता ने कहा कि ईशा तुम्हें पता है कि तुम बहुत नेगेटिव दिख रही हो, तुम्हें लोग चुगलखोर कह रहे हैं, तुम्हें लोग चुगलखोर आंटी का टैग दे रहे हैं क्योंकि तुम बार बार लोगों की चुगलियां करती हो, तुम दिग्विजय से भी इनसिक्योर फील करती हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि करणवीर से तुम डरती हो, करणवीर के ग्रुप से डरती हो और करणवीर के ग्रुप को तुम तोड़ने के लिए जी जान लगा रही हो अविनाश के साथ मिलकर। आखिर ये इनसिक्योरिटी क्यों है ईशा, अगर तुम इतनी मजबूत हो और इतनी तुम स्ट्रांग हो तो तुम क्यों डर रही हो करण से, तुम क्यों इनसिक्योर हो दिग्विजय से। ईशा ने कहा कि मैम मैं इनसिक्योर किसी से नहीं हूं, मैं यहां पर इंडिपेंडेंट गेम खेल रही हूं और मुझे पूरा मैं पूरे कॉन्फिडेंट हूं कि हमारा ग्रुप ही टॉप 5 में जाएगा, मैं अपने आप को टॉप 5 में देखना चाहती हूं। श्वेता सिंह ने कहा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, आप टॉप 5 में जाएं, लेकिन मुझे तो लग रहा है जनता जो है वो विवेन से ज्यादा इस समय करणवीर को पसंद कर रही है। जाते जाते मारा है ईशा को श्वेता ने ताना और ईशा कन्फेशन रूम से निकलकर चुगली एक बार फिर करती नजर आई विवेन डिसेना के सामने, ये बातें कहकर कि श्वेता मैम बता रही थी कि बाहर जो है वो समीकरण बदल चुके हैं, तुम्हें नहीं करणवीर को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो श्वेता ने एक बार फिर लगा दी है चुगली श्वेता सिंह ने ईशा की कर दी है बोलती बंद, कन्फेशन रूम में एक एक करके खोल दिए हैं ईशा के तार। वेल आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन और इसी तरीके की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।